अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी.com। दोस्तों मैं हूं अली गौहर शाह, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छे और बजट फोन का इंप्रेशन और साथ में रिव्यू। जी हां, मैं बात कर रहा हूं Xiaomi के Redmi 9 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसके इंप्रेशन की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुँचती रहें। बढ़ते हैं फ़ोन के रिव्यू की तरफ। और अगर फ़ोन के ऑल ओवर शेप की बात की जाए तो दोस्तों बैक जो है इसका वो प्लास्टिक है, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा कि वो जो इसका बैक है वो प्लास्टिक है, क्योंकि इसका एक अच्छा ग्रेडियंट और एक अच्छा फील दिया गया है, एक अच्छा टच दिया गया है। साथ में क्वाड कैमरा बैक पे सेटअप है, जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का स्लीक कर दिया है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट में इसके बहुत ही प्यारा और बड़ा डिस्प्ले 6.5 इंचेस का IPS कैप्टिव टच स्क्रीन है। साथ में बेजल्स लेस डिस्प्ले है, ड्रॉप नॉच दिया गया है टॉप पे। दोस्तों इसके अंदर दिया गया है फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। साथ ही अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो दोस्तों रेडमी ने दिया है इसके अंदर MediaTek का Helio G80 का गेमिंग प्रोसेसर, जो कि टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और जिस बजट की मैं बात कर रहा हूँ वो प्राइस सुन के आप ज़रूर चौंकेंगे। जी हाँ, G80 वो वाहिद प्रोसेसर है जो कि खासकर गेमिंग फोन्स पे काम कर रहा है, और इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको ये मिलता है साथ में क्वाड कोर के साथ। साथ ही अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो इसके अंदर आपको एक बिग बैटरी मिलती है, जो कि 5020 mAh की बड़ी बैटरी है। साथ में 18 वॉट का फास्ट चार्जर है, टाइप सी केबल की सपोर्ट भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं Xiaomi Redmi 9 के कैमरास की तरफ। इसके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है जैसा मैंने बताया, और मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, मैक्रो 5 मेगापिक्सल का है। साथ ही जो डेप्थ सेंसर दिया गया है वो भी 2 मेगापिक्सल का है। दोस्तों फ्रंट के कैमरा की बात की जाए तो सेल्फी अब आप 8 मेगापिक्सल से ले सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, मेरे ख्याल से ये भी परफेक्ट है। दोस्तों अगर Xiaomi Redmi 9 के OS की बात की जाए तो जी हाँ, ये है Android 10 के साथ, और साथ में इसका UI भी MIUI 12 दिया गया है। मतलब वो भी आपके लिए क्लासी है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेक्स के साथ। इस प्राइस रेंज के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और फ़ोन, लिटरली कोई और फ़ोन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल रहा होगा। दोस्तों Xiaomi के Redmi 9 के अंदर जो रैम दी गई है वो है 3GB रैम, साथ में 32GB की स्टोरेज। ये दो वेरिएंट में आया है, 4GB और 64GB में मिलेगा, मतलब आप लोगों के लिए टेंशन की बात नहीं है। साथ में डुअल नैरो सिम है और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट भी है। दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, वो है प्राइस। जी हाँ, प्राइस ऑब्वियसली आखिरी ही होती है और हर कोई आखिर में ही बताएगा, क्योंकि आगे आप लोगों ने पहले स्पेसिफिकेशंस देखनी होती है, बाद में प्राइस की बात आती है। तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस के साथ। ये है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 21,999, मतलब 21,999 रुपये, कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी नहीं लगती तो फिर भी आप हमें बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अली गौहर शाह, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी.com। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।